देखिए अभी मेरी यूनिफॉर्म से तो सबको पता चल ही रहा होगा और सबने टेलीकास्ट देखा भी होगा तो मैं एक फायर स्टेशन ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ मैंने अभी तक जितना भी परफॉर्मेंसेस में देता हूँ मैं बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सोच के कभी परफॉर्म नहीं करता हूँ मैं हमेशा परफॉर्म करता हूँ ये सोच के कि ये मेरा लास्ट शॉट होगा या ये मेरा फर्स्ट शॉट है जो जैसा भी है मैं शनि देव में एक रोल किया था मैंने पृथ्वी पृथ्वी प्रित्व देवता का कभी भी एक शॉट से या किसी सीन से मैं सेटिस्फाई होता ही नहीं हूँ हाँ कहीं कहीं पे कुछ सीन्स में 90 परसेंट सेटिस्फाइड रहता हूँ किसी में 80 परसेंट रहता हूँ बट वो हंड्रेड परसेंट कभी होता ही नहीं है हाय गाइस वेलकम टू टेलीचस्का एंड आज हमारे साथ है हितांशु तो फर्स्टली यू नो वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर रोल थैंक यू सो मच थैंक यू तो आ, रोल की अगर बात करें किस तरीके का रोल है क्या कुछ आप प्ले करते नज़र आने वाले थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताएं देखिए अभी मेरी यूनिफॉर्म से तो सबको पता चल ही रहा होगा और सबने टेलीकास्ट देखा भी होगा तो मैं एक फायर स्टेशन ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ और आगे भी फायर स्टेशन ऑफिसर ही रहूँगा बट लाइक हाँ थोड़ा जो बाकी रिलेशंस हैं जिन कैक्टर्स के साथ जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ वो थोड़ा सा चेंज होते रहेंगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं तभी मसाला मिलेगा तभी आपको मज़ा आएगा देखने में वरना एक ही चीज़ अगर चलती रहेगी तो सब लोग बोर हो जाते हैं तो लाइक वो एक थोड़ा सा अप डाउन रहेगा रिलेशनशिप्स में तो आ, इसी के साथ अगर इस कैरेक्टर की बात करें आपको लगता है ये एक ब्रेक थ्रू है आपके कैरेक्टर के लिए जितना भी आपने अब तक रोल्स प्ले किए हैं मैंने अभी तक जितना भी परफॉर्मेंसिस में देता हूँ मैं बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सोच के कभी परफॉर्म नहीं करता हूँ मैं हमेशा परफॉर्म करता हूँ ये सोच के कि ये मेरा लास्ट शॉट होगा या ये मेरा फर्स्ट शॉट है जो जैसा भी है बिकॉज मैं हर सीन में जान डालने की कोशिश अपनी पूरी करता हूँ बाकी ब्रेक ब्रेक थ्रू होता है कि नहीं होता है वो दैट आई रियली डोंट नो बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए ब्रेक थ्रू होने वाला है और पता चलता है इससे मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ मैं जब स्टार्ट हाँ। किया था इंडस्ट्री में आया था तो मैं महादेव सॉरी uh, महादेव कह रहा हूँ Uh, मैं शनिदेव में एक uh, रोल किया था मैंने पृथ्वी पृथ्वी देवता का तो मैं उस टाइम बहुत एक्साइटेड था और मैंने सोचा ये मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला इंडस्ट्री में इसके बाद तो भैया लाइन लग जाएगी सारे शोज़ की मेरे सामने वो जब टी वी आया सबको बताया मैंने और सब खुश थे और जब आया तो ऐसे पीछे सजेशन में निकल गया एंड आई वज अरे यार ये तो ब्रेक थ्रू था मेरा क्या हो गया ये तो लाइक like हमारे लिए ना हर अपॉर्चुनिटी एक ब्रेक थ्रू हम समझते हैं बट वैसा होता नहीं है आप जब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते तब चीज़ें आपके साथ होती हैं जो आपको सरप्राइज करती हैं तो इस शो में आप फायर फाइटर का कैरेक्टर प्ले कर रहे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे देखिए चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में हर शो में एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा एफर्ट तो लगता है थोड़ा सा सोचना पड़ता है काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है उसके बाद जब एक बार सेटल हो जाते हैं आप किसी भी कैरेक्टर में देन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है तो लाइक एज ऑफ नाउ अभी इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट रहा नहीं है मेरे लिए initial तो इनिशियल डेज में तो डिफ़िकल्ट रहा ही है हर किसी की लाइफ में रहता ही है तो लाइक like, शुरू करूँगा तो शाम हो जाएगी बट लाइक हाँ वो तो चलता रहता है वो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और वो चीज़ें तो होती रहती हैं स्ट्रगल तो है हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है तो अब तक अगर बेस्ट सीन की बात करें आपको क्या लगता है आपका बेस्ट सीन कौन सा था जो आपको खुद को देख के ऑन स्क्रीन मजा आया हो आ, इस शो में जी आ, इस शो में मैं हर सीन को देख के बोलता हूँ अरे यार ये थोड़ा सा और बेटर हो जाता है बट लाइक दूसरों का फीडबैक मिलता है ना तो बहुत सारे सीन्स पे कहते हैं कि यार ये सीन बहुत अच्छा गया वो सीन बहुत अच्छा गया बट पर्सनली मुझे कभी भी एक शॉट से या किसी सीन से मैं सेटिस्फाई होता ही नहीं हूँ हाँ कहीं कहीं पे कुछ सीन्स में 90 परसेंट सेटिसफाइड रहता हूँ किसी में 80 परसेंट रहता हूँ बट वो हंड्रेड परसेंट कभी होता ही नहीं है तो कोई एक बेस्ट शॉट है मेरा वो चीज़ में लाइक like, मुझे दिखता ही नहीं है कि ये बेस्ट शॉट है इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता तो इसी के साथ ऑन ऑफ स्क्रीन वार्निंग की बात करें किसके साथ सबसे अच्छी आपकी सेट पर जमने लगी अब देखिए है तो सभी लोग प्यारे हैं सबके साथ बात होती भी है बट जिनके साथ सीन सबसे ज़्यादा होते हैं वो होती है तरुण तरुण है वो उसका और मेरा शूट साथ में ही रहता है तो इस वजह से तरुण जम्वाल जो है तरुण जम्वाल हाँ तरुण जम्वाल है क्या नहीं नहीं तरुण तो उसका कैरेक्टर नेम है जतिन सिंह जम्वाल जतिन सिंह जम्वाल है तो उसके साथ मेरे ज़्यादा शूट रहते हैं तो ही इज द वन इज क्लोजेस्ट मी लास्टली फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे क्या इस कैरेक्टर से और क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है देखिए इस कैरेक्टर के लिए आपको इस कैरेक्टर से बहुत सरप्राइजेज मिलने वाले हैं आगे बिकॉज Uh, मेरी जो पर्सनालिटी है जो आप देख रहे हैं टीवी पे वो एक बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड इंसान की है और आगे भी आपको टाइम टाइम से बहुत सारे सरप्राइजेज मिलने वाले हैं आप देखते रहिए